CCNA 200 301 की लास्ट लेक्चर थी हमारे पास। हम लोग अब सिस्को नेटकेट अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने नेटवर्किंग टुडे कंप्लीट कर ली। कितने अर्से में? विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में। अब सेकेंड हम चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक स्विच एंड डिवाइसेस कन्फिग्रेशन। देखते हैं ये कितने अर्से में पढ़ते हैं इन्हें। कोशिश कर ले आप लोग खुद ही जाके गर्म भी ने स्टडी किया करें, ठीक है। तो बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कन्फिग्रेशन इंट्रोडक्शन के ऊपर आए, यहाँ पे क्लिक करें। व्हाई शुड आई टेक दिस मॉड्यूल? स्क्रीन अगर यहाँ पे नजर नहीं है तो आप लोग F11 के थ्रू इसे चेक कर सकते हैं कंप्लीट। ये थी मेरे पास व्हाई शुड आई टेक दिस मॉड्यूल। वेलकम टू बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कन्फिग्रेशन। स्विच है क्या? सबसे पहले इन्हें यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। स्विच से पहले हम लोग हब यूज करते थे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, MS Paint ओपन कर लेता हूँ। समझिए आपके पास एक स्विच है या हब है। हब और स्विच करता क्या है? मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेता है। मैं किस नोड की बात कर रहा हूँ? वो नोड आपके पास एंड डिवाइसेस कहलाते हैं। एंड डिवाइस के पास लैपटॉप भी हो सकता है, एंड डिवाइस के पास डेस्कटॉप भी हो सकता है, एंड डिवाइस के पास मोबाइल भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है। इसको मैं नोड कहूँगा, ठीक है। इस एंड डिवाइसेस को वर्क स्टेशन कह सकता हूँ यहाँ पे। तो ये स्विच करता क्या है या हब करता क्या है? मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेता है। चाहे हब हो या स्विच हो, मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही स्विच की, हो रही हब की नहीं हो रही। हब जो है हमारे पास फिजिकल लेयर की डिवाइस है, और ऐसा ही रेफरेंस मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर। और हम लोग इस पर डिस्कस करें, स्विच की बात करें। स्विच जो है वो हमारे पास लेयर टू की डिवाइस है। लेयर टू का नाम क्या था? डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। यहाँ पे के पास स्विच, बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी पोर्ट्स है, समझो यहाँ के पास सिस्को की स्विच है, सिस्को की स्विच है 2960 मॉडल की स्विच है। इसमें यहाँ के पास 24 पोर्ट्स फास्ट इंटरनेट के हैं। किस चीज़ के? फास्ट इंटरनेट के। और 2 पोर्ट्स इसमें वो गीगा की है। किस चीज़ के? गीगा इंटरनेट पोर्ट्स। अब फास्ट इंटरनेट में और गिग में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे के पास हर पोर्ट में 100 Mbps डेटा जाती है, 100 Mbps डेटा जाती है। और गिग में के पास कितने? 1000 Mbps डेटा रेट इसकी। तो आते हैं स्विच के ऊपर, हम लोग स्विच को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। वेलकम टू बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कन्फिग्रेशन। स्क्रीन नज़र आ रहा है? सही, मैं इसे भी हम क्लोज कर लेता हूँ। अब सही हुआ? यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ योर करियर इन नेटवर्किंग यू माइट हैव टू सेट अप न्यू नेटवर्क एंड मेंटेन एंड अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग वन। आपके पास नेटवर्क पहले बनी हुई थी, मैंने हब के थ्रू तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट किए थे। हब में मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं बनिस्बत स्विच के। तो मैं यहाँ पे स्विच रखना चाहता हूँ। हब को रिप्लेस करके आपकी जगह पे स्विच रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसे अपग्रेड करें अपने नेटवर्क को। इन इधर केस यू विल कन्फिगर स्विचेस एंड एंड डिवाइसेस सो दैट दे आर सिक्योर एंड परफॉर्म इफेक्टिवली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मेरी जरूरत है कि मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकूँ, तो हब के थ्रू तो मैं सिक्योर नहीं कर सकता। यही सिक्योरिटी मैं चाहता हूँ थ्रू स्विच। इसे हम लोग सिक्योर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास स्विच है या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। मैं एक और MS Paint ओपन कर लेता हूँ।
मैंने पहले बात की थी सिस्को स्विच की, सिस्को क्यों, हवावे क्यों नहीं, जूनिफर क्यों नहीं, और आपके पास त्रिकॉम क्यों नहीं, क्योंकि त्रिकॉम, जूनिफर, हवावे उसकी मार्केट शेयर बहुत कम है वर्ल्ड वाइड, तक अबाउट 70% जो यहाँ पर मार्केट शेयर रखता है वो सिस्को की डिवाइसेस है। तो हमारे पास भी सिस्को की डिवाइसेस ही पड़ी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बात की थी 2960 की या 2950 की, ये मेरे पास लेयर टू के स्विचेस है जो कि 2900 सीरीज के, क्या है 2900 सीरीज के स्विचेस है, मगर ये 2960 2950 इसके मॉडल है, इसके मॉडल्स हैं। अगर आपके पास ये स्विच ना हो, अवेलेबल ना हो, तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमें सिस्को ने एक सिमुलेटर डिज़ाइन करके दिए, सिस्को ने एक सिमुलेटर डिज़ाइन करके दिए, उस सिमुलेटर का नाम है पैकेट ट्रेसर। क्या कहते हैं, पैकेट ट्रेसर कहते हैं। पैकेट ट्रेसर अवेलेबल है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास नेटकेट अकाउंट हो, किस चीज़ की, नेट अकेट की अकाउंट हो के पास, तो आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। पैकेट ट्रेसर लेटेस्ट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास इसकी यूज़र अकाउंट हो तो इसके थ्रू आप लॉग इन हो जाएं, तो ये आपके पास यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी अकाउंट। अब पैकेट ट्रेसर में इन्होंने रखा क्या है, मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। पैकेट ट्रेसर तमाम डिवाइसेस, चाहे हब हो, स्विचेस हो, राउटर्स हो, फायरवॉल्स हो, मीडिया हो, मतलब कनेक्शंस हो, एंड डिवाइसेस हो, तमाम डिवाइसेस आपके पास पैकेट ट्रेसर के अंदर पड़े हुए हैं। ये एक सिमुलेटर है जहाँ पर हम लोग अपनी सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। सिमुलेशन मीन्स लैब, जो प्रैक्टिकल आप करते हो उसे सिमुलेशन कहा जाता है, वही चीज़ आप लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे डिवाइसेस आ रही है, यहाँ पे इनके नेम्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या लिखेगी, स्विचेस नज़र आ रही नहीं आ रही, स्विचेस, यहाँ पे राउटर्स, यहाँ पे हब, यहाँ पे एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को वापस यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब स्विचेज में मुझे स्विच चाहिए, कौन सी स्विच चाहिए, मुझे स्विच है 2960 की, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब नज़र तो आ रहा है आप लोग को, 2960 की स्विच है, इसमें कितने पोर्ट्स होते हैं, जो आप यहाँ पे पॉइंटर ले आते हो तो आपको शो करके दे रहे हैं 24 पोर्ट्स फास्ट इंटरनेट के, 2 गीगा इथरनेट पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करता, कुछ एंड डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड डिवाइसेज चाहे आपके पास लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। आज की जो मैं हमारे ख़ास टॉपिक है स्विच के बारे में, स्विच करता क्या है, मल्टी नोड्स, मल्टी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और स्विच के हर पोर्ट को एक्सेस पोर्ट कहा जाता है। सिर्फ आप लोग करते क्या हो, यहाँ पे कोई कनेक्शन उठा लेते हो, कोई मीडिया उठा लेते हो। अब स्विच और पीसी दोनों डिफरेंट डिवाइसेस है, मुख्तलिफ है, तो इसके दरमियान स्टेट केबल लगेगी, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर स्टेट केबल लगेगी, चाहे वो केट 5 हो, केट 6 हो, केट 7 हो, या केट 5E हो। तो अब मेरे पास स्विच में एक पोर्ट आ रहा है, आपके पास कौन सी, फास्ट इथरनेट या गिग, जो भी यूज़ करना चाहते हो, मैं फास्ट इथरनेट 0/1 फर्स्ट पोर्ट को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो पीसी में आ जाए, पीसी में आपके पास भी एक लैन कार्ड मौजूद होगा, उस लैन कार्ड में पोर्ट होगा, उस पोर्ट को हम लोग, वो शायद के पास इंटरनेट हो, फास्ट इंटरनेट हो, गीगा हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। अब ये विद इन 32 सेकेंड के बाद ये अप होगा, इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल चल रही है, उस प्रोटोकॉल को STP कहा जाता है। STP आगे पढ़ते हैं, इंशाल्लाह स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात हो रही है। अब मैंने बात की थी इसकी सिक्योरिटी की,
तो इसको इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन इसकी सिक्योरिटी भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें आपके पास एक पोर्ट मैंने यूटिलाइज कर ली, स्विच में एक पोर्ट मैंने यूज़ कर ली, रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स जितने पोर्ट्स रह गए 23 में पास 23 पोर्ट्स फासिद नेट के 2 गीगा के आप इन्हें क्लोज कर ले, आप इन्हीं पोर्ट्स को शट डाउन कर सकते हो। तो वो पढ़ते हैं बाद में, पहले अपने आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है आउट ऑफ द बॉक्स? आउट ऑफ द बॉक्स स्विचेस एंड एंड डिवाइसेस कम विद सम जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसे कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन थे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन यू थी, जस्ट मैंने केबल लगा ली इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, मगर मैं स्विच को एक्सेस नहीं कर सकता। स्विच को एक्सेस करने के लिए इसके लिए एक अलग केबल चाहिए, ठीक है, एक कुछ टेक्निक्स चाहिए, उसको देखते हैं। रिमोटली एक्सेस करना हो या फिजिकली एक्सेस करना हो, ठीक है, फिजिकली एक्सेस करना आप कोई केबल लगा लेते हो, उस केबल को हम कह दें कंसोल केबल। वर्चुअली इन्हें एक्सेस करना हो तो इसको हम टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, बट फॉर योर पार्टिकुलर नेटवर्क स्विचेस एंड एंड डिवाइसेस रिक्वायर योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। स्विच या एंड डिवाइसेस को आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना हो तो कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ हिदायत चाहिए। हिदायत ये कि मैंने फ़िलहाल ऐसे कनेक्ट कर लिए, कोई IP वगैरह मैंने असाइन नहीं किया एंड डिवाइसेस को। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न हाउ टू एक्सेस सिस्को iOS नेटवर्क डिवाइसेस। ये बात आ रही है कि पास iOS की बात आ रही है, आपके पास जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस है, चाहे आपके पास स्विच हो, चाहे राउटर हो, फायरवॉल हो, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम लोग iOS कहते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मल जो आप लोग OS यूज़ करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, सच एज विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, सन सोलिस है, मैकिंटोश है, से MS-DOS है एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास जो आपके पास सिस्को डिवाइसेज है, चाहे स्विच हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, उसमें आप लोग iOS यूज़ करते हो। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें इंशाल्लाह। यू विल लर्न बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स एंड यूज़ देम टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई अ सिस्को iOS डिवाइस एंड एंड डिवाइसेस विद एन IP एड्रेस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी स्विच को PC के थ्रू एक्सेस कर लूँ थ्रू IP एड्रेस। स्विच को मुझे एक IP देनी पड़ेगी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर करनी पड़ेगी। उस IP को हम मैनेजमेंट IP कहते हैं। ऐसे क्या मैनेजमेंट IP कहते हैं हम उसे। वो IP आप लोग किसी पोर्ट को दोगे या किसी खास एरिया को वो IP दोगे। हम लोग काम करें लेयर टू स्विच के ऊपर। लेयर टू स्विच में हम लोग किसी भी पोर्ट को IP नहीं दे सकते। वी कांट असाइन IP एड्रेस टू द पोर्ट्स इन केस ऑफ लेयर टू स्विच। हाँ, अगर लेयर थ्री स्विच हो आपके पास तो आप फिर IP असाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको IP कैसे असाइन करते हैं फिर देखते हैं। इसको विलेन के वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे आते हैं, आप कुछ आगे पढ़ लेते हैं। ऑफ कोर्स देयर्स मच मोर टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, बट नन ऑफ दैट कैन हैपन विदाउट फर्स्ट कन्फिगरिंग स्विचेस एंड एंड डिवाइसेस। लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट, अगर आपके पास स्विच हो, एंड डिवाइस हो, आप लोगों ने कैसे इसे कन्फिगर करना है, स्विच को कैसे एक्सेस करना है, चलो देखते हैं, इसे पढ़ते हैं यहाँ पे। वॉट विल आई लर्न टू डू इन दिस मॉड्यूल? इस मॉड्यूल में क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल टाइटल क्या है? बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन। स्विच और एंड डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंट इनिशियल सेटिंग इंक्लूडिंग पासवर्ड, IP एड्रेसिंग एंड डिफॉल्ट गेटवे पैरामीटर्स ऑन अ नेटवर्क स्विच एंड एंड डिवाइसेस। आप क्या करते हो, इसी स्विच में IP एड्रेस असाइन कर लेते हो, उसको गेटवे पैरामीटर असाइन कर लेते हो। एक चीज़ याद रखें, हम लोग LAN के ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल। हम लोग LAN के ऊपर काम कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लोग मल्टी नोड्स, मल्टी एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, डेटा शेयर कर सके। अगर आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो आपको लेयर 3 की डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी,
वहाँ पे आपको गेटवे असाइन करना पड़ेगा, वहाँ भी बात गेटवे की आ जाती है, उसे भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सिस्को आईओएस एक्सेस, एक्सप्लेन हाउ टू एक्सेस सिस्को आईओएस डिवाइस एंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन पर्पस, कैसे सिस्को डिवाइस को एक्सेस करते हैं या सिस्को आईओएस डिवाइस को कैसे एक्सेस करते हैं। सेकेंड क्या है, आईओएस नेविगेशन, एक्सप्लेन हाउ टू नेविगेट सिस्को आईओएस टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ कौन कौन से कमांड यहाँ पर हम असाइन करते हैं, किसके ऊपर काम कर लेते हैं। द कमांड स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द कमांड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर, सिस्को आईओएस के कौन कौन से यहाँ पे कमांड है जिसके थ्रू हम इन्हें एक्सेस करते हैं, चाहे वो मेरे पास टेलनेट हो, चाहे SSH हो, या इनेबल्स की कमांड हो, ठीक है, या आपके पास यूज़र मोड हो, प्रिविलेज मोड हो, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड हो, इंटरफेस मोड हो, सब इंटरफेस मोड हो। यहाँ पे बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग CLI के ऊपर काम करेंगे। अब मेरे पास स्विच है, मेरे पास सिस्को स्विच लगी हुई है, मेरे ख्याल 3560 है या 3550 है, लेटेस्ट स्विच मैंने यहाँ पे लगाई है, लेटू भी मेरे पास पड़ी हुई है, राउटर्स भी है। अब मैं उन्हें दो तरीकों से एक्सेस कर सकता हूँ, GUI भी एक्सेस कर सकता हूँ, CLI भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखते हैं इन्हें GUI कैसे एक्सेस करते हैं, CLI कैसे एक्सेस करते हैं। मैं रियल टाइम अपनी स्विच की बात करता हूँ, तो मैं सबसे पहले CMD ओपन कर लेता हूँ। CMD में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेलनेट, मेरे पास अभी 10.10.10.2 इंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे यूज़र नेम मांगा जा रहा है, अब पासवर्ड वही होगा जो मुझे ही पता होगा, इनेबल पासवर्ड मैंने लगाया, इनेबल पासवर्ड भी वही है जो मुझे ही मालूम होगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी स्विच मैं यहाँ पे शो वर्जन कर लेता हूँ, मेरे पास कौन सी 3560 की स्विच पड़ी है, 3560 की स्विच मेरे पास पड़ी है, CLI के थ्रू मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, यहाँ से भी एग्जिट कर लेता हूँ। अब यही चीज़ लिनक्स ओपन की थी मैंने, इसे क्लोज कर ले। अब GUI के थ्रू इसे एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरे पास न्यू टैब ओपन कर ले, पहले मैंने टैब ओपन की थी 10.10.10.2, सेम वही स्विच मैं GUI के थ्रू इन्हें एक्सेस करूँ यहाँ पे। अब यहाँ में मेरे पास डैशबोर्ड मॉनिटरिंग, मैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाता हूँ, पोर्ट सेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। अब जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड सारे यहाँ पे मुझे शो करके दे रहे हैं, जो चेक लगे हुए हैं, अब ऐसे ना कि जो यहाँ PCA हो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑन है, इसके ऊपर नेट आ रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ मेरे यहाँ सर्वर किए, कुछ कनेक्शन मैंने अलाउ किए, ठीक है, जो यहाँ पे ऑफ आ रहे मतलब इसके ऊपर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, मैंने इसे शट डाउन किए। आप इसे नो शट करना चाहते हो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, नो शट भी कर सकते हो। जी सर, ये नहीं 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 इसके लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कनेक्टिविटी, ये अगर आप लैन के ऊपर काम करना चाहते हो। मैं नेट की इसलिए बात करूँ क्योंकि मैं क्लाउड से कनेक्ट हूँ, इस वक्त मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ। कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ टेलनेट के बारे में, पहले आगे आते हैं कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद टेलनेट की मुझे याद दिलाएं। टेलनेट की ऑप्शन आपको ऑन करनी पड़ेगी विंडोज़ में, एक चेक आपको ऑन करना पड़ेगा, देन आप लोग टेलनेट के थ्रू किसी डिवाइस को एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, आते वापस अपने टॉपिक की तरफ, यहाँ पे मैं इसे FL ऑन कर लेता हूँ। और क्या करते हैं यहाँ पे, पोर्ट एंड सॉरी सेव कॉन्फ़िगरेशन, यूज़ iOS कमांड टू सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग टाइप करते हो CLI के ऊपर काम करते हो तो वो रैम के अंदर पड़ी रहती है, उसे सेव करके NVRAM के अंदर से रख सकते हो, जहाँ पे से हम स्टार्टअप कहते हैं। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग सेव भी कर सकते हो। पोर्ट एंड एड्रेसिंग, एक्सप्लेन हाउ टू डिवाइस कम्युनिकेट अक्रॉस नेटवर्क मीडिया, कैसे नेटवर्क मीडिया के थ्रू एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर पाते हैं। अब नेटवर्क मीडिया आपके केबल की बात हो रही है जो आप लोग अभी यूज़ कर लेते हैं, 33 पेयर केबल हो, चाहे वो CAT5 हो, CAT6 हो, CAT7 हो, वट एवर। कन्फिगर IP एड्रेसिंग, आप लोग यहाँ पर IP एड्रेसिंग यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हो, होस्ट को भी है, स्विच को भी। वेरीफाई कनेक्टिविटी, आप लोग पिंग के थ्रू, ट्रेस आउट के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। इस मॉड्यूल में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट कर ले, आईओएस सिस्को एस एक्सेस। यहां पे क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल एंड डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे के पास एंड डिवाइसेस हो नेटवर्क डिवाइसेस हो उसको एंड उसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है क्योंकि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यूजर एंड डिवाइस इन बिटवीन जो चीज़ होती है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यूजर और डिवाइस के दरमियान जो इंटरप्रेटर है जो ट्रांसलेटर है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एक अलग बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरप्रेटर है जो ट्रांसलेटर है उसे कर्नल कहा जाता है। मैं उसकी बात नहीं करता। यहाँ पर आ जाते हैं एज शोन इन द फिगर द पोर्शन ऑफ द ओएस दैट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज कर्नल। जो आपका ओएस है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करे उन दोनों के दरमियान कर्नल यूज हो रहा है। द पोर्शन दैट इंटरफेस विद एप्लीकेशन एंड यूजर इज नोन एज शेल। हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग शेल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां के पास यूजर बैठे है, ठीक है, यूजर एक्सेस कर रहे हैं हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यूजर शेल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो आप सिलाई एक्सेस करते हैं वो आपके पास शेल है। जिस सिलाई के ऊपर आप लोग काम करें वो आपके पास शेल है। लिनक्स में आप लोग काम करते हैं नहीं करते, रेड हैट के ऊपर, सेंटोस के ऊपर, युबंटू के ऊपर, तो आप टर्मिनल ओपन करते हो नहीं, वो आपके पास शेल है। तो सुन रहे थे सर शेल स्क्रिप्टिंग क्या है? जो कमांड आप करते हो 5, 10, 20 कमांडे लगाते हो, उस 5, 10, 20 कमांडों के एक ही छोटी फाइल बना लेते हो, छोटी स्क्रिप्ट बना लेते हो, तो शेल के ऊपर काम करते हो ना, तो उसे शेल स्क्रिप्टिंग कहते हैं। बेस डायरेक्टरी के ऊपर काम कर रहे हो, बेस एनवायरमेंट के ऊपर काम करते हो, बेस स्क्रिप्टिंग कहलाती है वहां पर। खैर लिनक्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे हम लोग यहाँ पे, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं द पोर्शन दैट इंटरफेसेस विद एप्लीकेशन एंड यूजर इज नोन एज शेल। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद शेल यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैंने डेस्कटॉप एनवायरमेंट के ऊपर काम किए, अभी जो मैंने आपको दिखाया मैंने यहाँ पे से जुए की थ्रू से एक्सेस कर ली। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी मेरे पास शेल है, लेकिन कौन से डेस्कटॉप है ये केडी एनवायरमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ नहीं, ये मेरे पास केडी एनवायरमेंट केडी डेस्कटॉप एनवायरमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये केडी जीनोम तो लिनक्स के अंदर आ रहे थे। जी यही चीज़ आपके पास लिनक्स के अंदर भी मौजूद है डेस्कटॉप एनवायरमेंट। ये जीयूआई की बात हो रही, सीएलआई की बात नहीं हो रही, टर्मिनल की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोगों ने काम करना है सीएलआई के थ्रू। आप यही चीज़ यही कॉन्फ़िगरेशन यही आईपी एड्रेसेस आप जीयूआई के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन काम सीखे सीएलआई के ऊपर सीखे। मार्केट में डिमांड जिनको सीएलआई के ऊपर काम आता हो, मार्केट में डिमांड उन बंदों की जिसको सीएलआई के ऊपर काम आते हो। जियो के ऊपर ईजी है, काम सीख सकते हो, लेकिन आजकल ज़्यादातर आपके पास फायरवॉल आ रहे, राउटर्स आ रहे, स्विचेस आ रहे, जियो ही मोड के ऊपर है। लेकिन कोशिश करें सीएलआई के ऊपर काम ज़्यादा सीखे, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर अपना काम सीखे। नसीबला बोर तो नहीं हुआ? अच्छा, शेल यहाँ पे द यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कोई खास टास्क काम करना चाहते हैं या पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं स्पेसिफिक कोई यहाँ पे कमांड यहाँ पे ठीक है इंप्लीमेंट करना चाहते तो शेल इसके ऊपर काम कर सकता है। दिस रिक्वेस्ट कैन बी मेड इधर थ्रू सीएलआई और जीयूआई इंटरफेस। आप जीयूआई के थ्रू भी काम कर सकते हो, सीएलआई के थ्रू भी काम कर सकते हो। कर्नल क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड मैनेज हाउ हार्डवेयर रिसोर्सेज आर यूज टू मीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आप लोग नॉर्मली एम एस वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो, एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करें, इन दोनों के दरमियान कर्नल ने अपना किरदार अदा करना, इन दोनों को ताल्लुक बनाने कर्नल ही है आपके पास। फिर एक क्वेश्चन करता हूँ,
लिनक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल है? लिनक्स इज अ कर्नल बट इट बिहेव या इट बिहेव लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग अंडरलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स. चाहे के पास स्विच हो, चाहे के पास कंप्यूटर हो, राउटर हो, ये हार्डवेयर कहलाती है. When using a CLI, the user interacts directly with a system in a text-based environment by entering commands on the keyboard at the command prompt, as shown in the example. The system executes the command open, providing textual output. आप CLI के थ्रू काम करते हो, जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो टेक्स्ट के थ्रू नजर आ रही है, जो कि यूजर लैंग्वेज में, यूजर रीडेबल फॉर्मेट में. और आपके द सिलाई रिक्वायर्स वेरी लिटिल ओवरहेड टू ऑपरेट. हाउएवर इट डज रिक्वायर दैट द यूजर हैव नॉलेज ऑफ द अंडरलाइन कमांड स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द सिस्टम. इसके कमांड बहुत ही ईजी है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैं हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स नेटवर्क पढ़ रहे हैं और आगे कह रहे हैं सर हम लोगों ने जाना है सिक्योरिटी की तरफ, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है. चाहे आपने गुण सिक्योरिटी पढ़नी है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है. चल मेरे कुछ एडवाइस है, कुछ यहाँ पर नसीहत आप लोगों के लिए, आप लोग डॉस के ऊपर काम सीखें, आप लोग लिनक्स के ऊपर काम सीखें, आप लोग चाहे स्विच के ऊपर काम करना चाह रहे हो, राउटर के ऊपर काम करना चाह रहे हो, चाहे के पास फायरवॉल हो, सारे CLI मोड है. डॉस भी CLI, लिनक्स भी CLI और आगे नेटवर्क जितने भी डिवाइस है सारे CLI. आप लोग EVNG के ऊपर जाए, आपको एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट दे देता है आपके पास, जैसे आपके पास GNS है, EVNG है, उसमें भी आप लोग CLI के ऊपर काम करते हैं, सेम लिनक्स की तरह कमांड उसके, क्योंकि वो लिनक्स बेस बनी हुई चीज़ें. तो कोशिश कर ले CLI के ऊपर अपना काम सीखें. यहाँ पे या फिर नॉर्मली कमांड आर LS, लिस्ट कॉन्टेंट. ये क्या आप लोग ये चीज़ स्विच में यूज़ कर सकते हो, लिनक्स में यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो? कर सकते हो मेरे भाई. अगर आप CMD में हो, मैं यहाँ पे CMD टाइप कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे LS करता हूँ, शायद LS एक्सेप्ट ना कर पाए, मुझे यहाँ पे DIR लिखना पड़ेगा. DIR मीन डायरेक्टरी, टू शो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. हाँ, अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ पावर शेल के ऊपर काम कर लूँ, यहाँ पे मेरे पास DIR भी काम कर लेगा और LS भी काम कर लेगा. यहाँ पे आते हैं GUI. आपकी हर ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके दो मोड होते हैं, या GUI या CLI. GUI के थ्रू आप माउस के थ्रू काम कर लेते हो, ठीक है, विजर्ड्स होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक करते हो, फिनिश कर लेते हो. CLI में आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा, हर चीज़ की कमांड होती है. तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग GUI के ऊपर ज़्यादा काम करना वहाँ पसंद करते हो या CLI के ऊपर. लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कोशिश कर ले CLI के ऊपर काम सीख ले. GUI सच एज विंडोज, macOS, Macintosh, Apple iOS और आगे पास Android allows user to interact with system using an environment of GUI icons या graphical icons. आगे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक्चुरल इमेज नज़र आ रहे, आगे पास ग्राफिक्स नज़र आ रही है. माउस के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो, क्लिकिंग कर सकते हो, किसी चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हो. GUI है सारे आपके पास, चाहे मेन्यूज हो एंड विंडोज हो. GUI एग्जाम्पल इन द फिगर, मोर यूजर फ्रेंडली एंड रिक्वायर लेस नॉलेज ऑफ द अंडरलाइन कमांड स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द सिस्टम. फॉर दिस रीजन मोस्ट यूजर रिलाई ऑन GUI environments. ज़्यादातर लोग GUI को पसंद करते हैं. आपको पता होगा आपकी आजकल के मार्केट में 3-5% वो लोग जो इलिटरेट, जिन्होंने तालीम की नहीं, वो लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करें, वो लोग यूज़र फ्रेंडली है, वो लोग फेमिलियर है विद GUI. CLI की नॉलेज नहीं उसके पास, CLI की नॉलेज नहीं है. वो क्या, वो एक अलग बात है कि उसकी तालीम नहीं है, वो आपके साथ बैठते रहते हैं, CLI के ऊपर कुछ कमांड उन्होंने सीखे हैं,
ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कर लें यूज़र फ्रेंडली तो बने, लेकिन सिलाई के ऊपर काम सीख लें। ये आपकी GUI इन्वायरमेंट है। अब विंडोज़ की अपनी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होती है, मैंने कहा था कि KDE की बात की थी, और भी इसके नेम्स है। हाउएवर GUI मे नॉट ऑलवेज बी एबल टू प्रोवाइड ऑल द फीचर्स अवेलेबल विद CLI। जो मे नॉट ऑलवेज बी एबल, क्योंकि ज़्यादा ऐसे कमांड्स होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो GUI के थ्रू आप नहीं कर सकते। आप लोगों को CLI के थ्रू इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। आप लोगों ने MS DOS में देखे थे, बहुत से ऐसे कमांड थे जो GUI में नहीं हो रहे थे, आप लोग CLI के थ्रू कर पाते थे इसे। GUI कैन ऑल्सो फेल, क्रैश एंड सिंपली नॉट ऑपरेट एज ए स्पेसिफायर। ज़्यादातर वायरसेस के ऊपर अटैक कर लेते हैं, उसके सॉफ्टवेयर या क्रैश हो जाते हैं, या कोई काम नहीं होता आपके पास, कोई टास्क असाइनमेंट हुआ में फेल हो जाते हैं। GUI ने स्पेस भी ज़्यादा घेरी होती है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लो भी कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे CPU ओवरहेड को रिड्यूस करना है, उसका काम कम करना है, तो आप CLI के ऊपर काम कर ले। कभी आप लोग लिनक्स को यूज़ कर ले, कभी आप लोग विंडोज़ को यूज़ कर ले, तो स्पीड का पता चल जाएगा आप लोगों को। फॉर दिस रीजन्स नेटवर्क डिवाइसेज आर टिपिकली एक्सीड थ्रू CLI। ज़्यादातर आपकी नेटवर्क डिवाइसेज CLI थ्रू होती है। द CLI इज लेस रिसोर्स इंटेंसिव एंड विल स्टेबल वेन कंपेयर टू GUI। अगर इसको हम कंपेयर किया जाए थ्रू GUI या GUI के साथ, तो आपके पास CLI बहुत कम वहाँ पर आपके हार्डवेयर की जगह पर रिसोर्सेज को यूज़ करा होगा, तो आप लोगों के लिए CLI बेहतरीन है। दिस फैमिली ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज और मैनी सिस्को डिवाइसेज इज कॉल्ड सिस्को इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको IOS कहा जाता है। यहाँ के पास है दिस सिस्को IOS इज यूज्ड ऑन मैनी सिस्को राउटर स्विचेस रिगार्डलेस ऑफ द टाइप और साइज ऑफ डिवाइसेस। मुख्तलिफ आपके पास स्विचेस राउटर्स में IOS यूज होती है। ईच डिवाइस राउटर स्विच टाइप यूज डिफरेंट वर्जन ऑफ सिस्को IOS, लेकिन इसके अपने अपने वर्जन आते हैं। इसे के पास विंडोज अपने वर्जन आते थे, विंडोज 95, मी मलेनियम 2000, 2003 XP, विंडोज सर्वर्स, विंडोज 7, 8, विस्टा भी रहते हैं 10, इसमें भी अपने अपने वर्जन आते हैं। अदर सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स IOS XE, IOS XR, IOS NXOS, Nexus switches, इन डिफरेंट आपके पास IOS आ रही है। उसमें क्या हो रही है, इन्हेंसमेंट हो रही है वर्जन के थ्रू, नए नए कमांड्स आ रहे हैं, नए नए यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी उसकी एक्सटेंड हो रही है, चाहे पास राउटिंग टेबल हो या मैक टेबल हो। एक चीज़ याद रखे, कोशिश करें हर टॉपिक में नोट्स देखा करें। नोट एक खास इंपॉर्टेंट वर्ड होती है, तमाम टॉपिक के कंक्लूजन की खास वर्ड्स या वार्निंग वो यहाँ पे पड़ी रहती है। नोट्स में क्या लिखा गया है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ होम राउटर्स इज यूजुअली कॉल्ड फर्मवेयर। द मोस्ट कॉमन मेथड और फॉर कन्फिगरिंग होम राउटर इज बाई यूजिंग वेब ब्राउजर बेस GUI। यहाँ पर लफ्ज़ फर्मवेयर आया आपके पास, फर्मवेयर भी आपके पास सॉफ्टवेयर ही है, आपकी डिवाइसेस में यूज़ होती है, लेकिन फर्मवेयर बहुत कम अपडेट होती है। आपकी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर अपडेट होती है, लेकिन आप इसे अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते। आपके पास जो DSL चल रहे वो फर्म बेस यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहे हैं। जैसे मैंने एक बात की थी, चाहे LCD यूज़ करे हो चाहे LED यूज़ करो, इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग हुई होती है, इसमें प्रोग्रामिंग होती है। आप ये LED यूज़ कर सकते हो 1 lakh hours, 1 lakh घंटे उन्होंने दिए हैं कि 1 lakh घंटे ये आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब मार्केट में जाते हो, कोई LED खरीदते हो LCD खरीदते हो, तो उसे पूछ दिया करो यूज़ में है, कितनी यूज़ हो चुकी है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी अपनी लाइफ आती है। ये जो सोलर के बल्ब आप लोग आप यूज़ करते हो एनर्जी सेवर वगैरह, इनकी अपनी लाइफ होती है।
छः महीने हैं, 8 महीने हैं, 10 महीने, 10 महीने के बाद इसे एक्सपायर होना है भाई, अपनी प्रोग्रामिंग क्यों होती है इसमें। खैर यहाँ पर मैंने बात की, आप इसी को एक्सेस कर सकते हो, और मेरे पास DSL है, मैं इसके एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा DSL का एड्रेस है, और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड रखा है मैंने, जियो के थ्रू मैं इसे एक्सेस करूँ यहाँ पर। ये फर्मवेयर बेस के ऊपर काम करिए, आपके ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, इस टॉपिक आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है, कैसे इसे यूटिलाइज करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारी होगी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई क्वेश्चन करना हो चलो, टेनेंट आगे पढ़ना है हम लोगों ने, टेनेंट के ऊपर काम करना है, नहीं नहीं वो आगे बढ़ता, तो टैलेंट बताऊंगा, आप इसकी टेंशन ना ले, SSH बताऊंगा इंशाल्लाह ज़िंदगी जो तो।